तो फ्रेंड्स अब हम लोग देखते हैं कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है सेलेक्टर्स, और मैं इसी वीडियो में आपको बताना चाहूँगा सेलेक्टर क्या होते हैं, और जब मैं CSS लाऊंगा तो भी मैं बताऊंगा आपको सेलेक्टर क्या होते हैं। तो इस वीडियो में मैं यहाँ पे 3 सेलेक्टर की बात करूँगा, एक टैग सेलेक्टर की बात करूँगा, क्लास सेलेक्टर की बात करूँगा एंड ID सेलेक्टर की बात करूँगा। तो ये सारा काम करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक नई फाइल बना लेता हूँ सिंपली। तो हम अपने फोल्डर HTML_videos पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, न्यू फाइल पे जाएंगे, इस फाइल को सेव कर देंगे और इस फाइल का नाम दे देंगे हम यहाँ पे नाम दे देंगे form.html। हम लोग इसी फाइल में फॉर्म भी अपना डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, HTML का यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख देते हैं। तो हम सबसे पहले लिखेंगे HTML टैग, फिर हेड टैग, और हेड के अंदर टाइटल टैग, और टाइटल के अंदर लिख देंगे HTML फॉर्म, और HTML फॉर्म, और इसके अंदर आ जाएंगे, फिर हम आ जाएंगे बॉडी टैग लगाएंगे, और बॉडी टैग के अंदर हम लिख देते हैं सबसे पहले सेलेक्टर, ठीक है। तो हम हेडिंग डाल देंगे सेलेक्टर, और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसी वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे अपना वो वाला भी फॉर्म की सारी चीज़ें भी देखेंगे, फॉर्म कैसे बनाते हैं, वैलिडेशन वगैरह किस हिसाब से करेंगे। एक्चुअली वैलिडेशन हम लोग नहीं करेंगे, बट हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे वैलिडेशन की, जो इनबिल्ट HTML में वैलिडेशन है उसकी, ठीक है। तो हम लोग इस पेज को चलाते हैं, तो सिंपली आप क्या करिए, इस पेज पर राइट क्लिक करिए और यहाँ एक ऑप्शन आएगा ओपन इन ब्राउज़र, आप ओपन इन ब्राउज़र क्लिक कर दिए तो आपको देखिए ये वाली फाइल चल मिल जाएगी। अब लेट अस सपोज हमको सेलेक्टर डिस्कस करना है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो पहला हम लगा देंगे यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट, और सबसे पहला जो सेलेक्टर है वो है हमारा टैग सेलेक्टर, ठीक है, टैग सेलेक्टर। और टैग सेलेक्टर देखते हैं क्या होता है, सबसे पहला टैग सेलेक्टर है, टैग सेलेक्टर का मतलब होता है सिंपली हम लोग अपने पूरे पेज में किसी एलिमेंट को विद टैग हम टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोग टारगेट करते हैं किसी भी टैग को, तो हम लोग हेड सेक्शन में चलते हैं और यहाँ लगाते हैं स्टाइल, और स्टाइल की हेल्प से हम टारगेट करते हैं li को। तो टैग का मतलब सिंपली आपको टैग का नाम लिखना है और ये वाला ब्रैकेट लगा देना, ठीक है। ये ब्रैकेट का मतलब अब यहाँ पे आप CSS की प्रॉपर्टीज लिख सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और 35 पिक्सल कर देंगे, और सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे तो देखिए टैग सेलेक्टर फॉन्ट साइज बड़ा हो गया। लेकिन ये टैग सेलेक्टर है, दैट मीन्स इस पेज के अंदर जितने भी li टैग होंगे सबका फॉन्ट इतना हो जाएगा। दैट मीन्स अच्छा तो है बट ये सबके लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लगाता हूँ दूसरा सेलेक्टर, जैसे हमने कहा क्लास सेलेक्टर, तो अगर मुझे मैंने यहाँ पे यूज़ कर लिया li, दैट मीन्स इस पेज के अंदर ये वाला भी तो li है, तो टैग सेलेक्टर क्या करेगा, पूरे पेज में जितने टैग हैं उस सारे टैग पर देखिए इसका भी फॉन्ट साइज क्या हो गया, उतना ही हो गया जितना मैंने दिया था 35। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, इस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करिए, और यहाँ पे आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा जूम कर देते हैं, और यहाँ पे जैसे ही आप H1 सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे देखिए फॉन्ट साइज दिखा रहा है 35 पिक्सल, इस पर क्लिक करेंगे तो इस पर भी दिखा रहा है 35 पिक्सल्स। दैट मीन्स कि हम टैग सेलेक्टर की हेल्प से चीज़ों सेलेक्ट तो कर सकते हैं, बट वो उस पेज के अंदर जितने भी टैग्स होंगे सब पे वो स्टाइल अप्लाई होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे कलर लिखूं और यहाँ पे लिख दूं कलर ब्लू, तो जितने एलाइज हैं सब पे क्या होगा, कलर हमारा ब्लू हो जाएगा, ठीक है। ये होता है टैग सेलेक्टर। इसी तरह हम बॉडी टैग पे भी लगा सकते हैं, बॉडी टैग सेलेक्ट कर सकते हैं, और बॉडी टैग के अंदर आप इसका बैकग्राउंड ले सकते हो। बैकग्राउंड के बाद हम लोग लेट सपोज बैकग्राउंड ले लेते हैं कोई बढ़िया सा कलर, तो यहाँ पर मैं अपना सॉफ्टवेयर यूज़ करूँगा हेक्सा कलर पिकर, सिंपली ये एप्लीकेशन है। हम जाएंगे मटेरियल कलर्स पे और यहाँ से एक बढ़िया सिंपल सा कलर, या ग्रेडियंट में भी आप जा सकते हो, और यहाँ से भी आप एक कलर बढ़िया सा चूज़ कर सकते हो। तो लेट अस सपोज हम कलर चूज़ कर लेते हैं ये वाला कलर, ठीक है, या फिर हम और भी कलर नीचे आके देख सकते हैं, जो भी कलर हमें अच्छा लग रहा है उस कलर को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग ये वाला कलर चूज़ करते हैं, ठीक है, और हम लोग आएंगे यहाँ पे और बॉडी के अंदर बैकग्राउंड में सिंपली पेस्ट कर देंगे और हम लोग सेमीकोलन लगा देंगे, आ जाएंगे अपने पेज पे और सिंपली क्या कर देंगे, इसको रिफ्रेश कर देंगे तो कलर हो जाएगा। बट इतना कुछ खास कलर नहीं लग रहा है, तो हम दूसरा कोई कलर देख लेते हैं, सिंपली ले लेते हैं ये वाला कलर, ये शायद मे बी बेटर लगे। तो आप लीनियर ग्रेडियंट को हटा दीजिए, दूसरा लीनियर ग्रेडियंट लगा दीजिए और आइए सिंपली रिफ्रेश कर दीजिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बेस्ट तो लग रही है, बट आप मटेरियल कलर भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लू कलर चूज़ कर लीजिए बेस्ट है, या इस ब्लू पे हम लोग वाइट टेक्स्ट लिख देंगे फॉरग्राउंड, तो सिंपली आप आइए उस कलर का जो टेक्स्ट है वो सिंपली पेस्ट कर दीजिए और आप सेमी कोलन लगा दीजिए,
तो आप इस सॉफ्टवेयर से क्या कर सकते हैं भाई, डिफरेंट टाइप के अलग अलग कलर्स यूज़ कर सकते हैं। अभी इनको हम वाइट भी कर सकते हैं, तो अगर हम ऐसा ट्राई कर दें कि भैया बैकग्राउंड ब्लू हो गया और बॉडी के जितने भी कलर्स होंगे वो वाइट होंगे, तो सिंपली आप क्या करिए, इसको रिफ्रेश करिए। और एक्चुअली इस पे कलर, इस एलआई पे हम लोगों ने अलग से कलर लगा के रखा है, तो अगर हम यहाँ पे भी वाइट कर दें तो एलआई का कलर भी क्या हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। तो ये बेसिकली हमारा टैग सेलेक्टर है। बट लेट सपोज हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ एलाइज हैं और हम लोग कुछ और एलाइज बना लें, और हम चाहते हैं कि भैया हमारे पास देखिए इतने एलाइज हैं और हम चाहते हैं कि इन दो, सिर्फ इन दोनों का कलर रेड हो, बाकी सबका कलर क्या हो, यहाँ पे वाइट रहे। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम आएंगे और इन दोनों कलर में ले देंगे क्लास, क्लास हम कहेंगे रेड कलर, और वही कलर हम लोग, वही क्लास हम इस वाले को भी दे देंगे। क्लास मतलब मल्टीपल एलिमेंट को हम टारगेट कर सकते हैं, और क्योंकि ये क्लास इस वाले एलिमेंट भी अप्लाई किया है, इस वाले एलिमेंट पे भी अप्लाई किया है, और हम लोग क्या करेंगे, इस रेड कलर वाले क्लास को ही यहाँ से रेड कर देंगे। देखिए हमने कहा रेड कलर, तो अब देखिए जब भी आप किसी क्लास वाले एलिमेंट को टारगेट करेंगे तो डॉट लगाएंगे। डॉट मतलब आप टारगेट कर रहे हो एक रेड क्लास वाले एलिमेंट को, दैट मीन्स ये वाला एलिमेंट। तो जैसे ही डॉट लगा के यहाँ पे आप लिखोगे कलर कोलन रेड, सिंपली होगा क्या, जिस जिस पे भी वो क्लास अप्लाई होगी देखिए रेड हो जाएगा। सिंपल, इतना ईजी है चीज़ों को करना, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अगर ये क्लास हम आके इस पे भी लगा दें क्लास रेड कलर, तो देखिए ये कलर भी क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। इतना इजी है। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसका फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल कर सकते हैं। तो अब होगा क्या कि उन्हीं वाली एलिमेंट का फॉन्ट साइज़ 40 पिक्सल होगा जिसका क्लास रेड कलर दिया है। इसका मतलब आप क्लास की हेल्प से, देखिए बड़ा हो गया, आप क्लास की हेल्प से क्या कर सकते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट कर सकते हो, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कलर मुझे बेसिकली बैकग्राउंड अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस बैकग्राउंड को थोड़ा कुछ चेंज करने की कोशिश करते हैं। ये थोड़ा सा मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप भी ऐसा चूज़ करें जो डिस्टर्ब ना करे, तो सिंपली आप परफेक्ट लग रहा है। और ये ब्लू को ब्लैक ही कर देते हैं, और इसको भी हम लोग कोई और कलर कर देते हैं, ब्लू कर देते हैं, ठीक है। तो आप थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये सही लगे, परफेक्ट, अब ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने समझा कि टैग सेलेक्टर क्या है। टैग सेलेक्टर मतलब सिंपली उस पेज के सारे टैग्स को सेलेक्ट कर लेगा, और आईडी सेलेक्टर, सॉरी क्लास सेलेक्टर मतलब आप मल्टीपल चीज़ों को टारगेट कर सकते हो। और एक होता है आईडी सेलेक्टर, आईडी सेलेक्टर सपोज हमने यहाँ पे बनाई है बटन, तो हम यहाँ पहले एलआई लिख देते हैं, एलआई फॉर आईडी सेलेक्टर। और हमें क्या करना है, मल्टीपल आईडीज पे इस बार नहीं टारगेट करना, हमें सिर्फ सिंगल आईडी पे टारगेट करना है या सिंगल एलिमेंट पे टारगेट करना है। तो हम इसके अंदर आएंगे और दे देंगे आईडी, और दे देंगे आईडी सेलेक्टर। अब होगा क्या, इस एलिमेंट का क्लास मैंने नहीं यूज़ किया, इस एलिमेंट को आईडी दिया, इसका मतलब इसका एक यूनिक आईडी, इस पेज में इस एलिमेंट की एक आईडी है, और हम लोग इसको इस आईडी से कहीं भी कॉल कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ सीएसएस की हेल्प से आईडी सेलेक्टर कैच कर सकते हैं, इसको टारगेट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स टारगेट करने के लिए सिंपली आपको यूज़ करना है हैश और फिर आईडी का नाम दे देना है। तो हम लिखते हैं आईडी सेलेक्टर, एक बार मैं चेक कर लूँगा, देखिए आईडी सेलेक्टर, और आईडी सेलेक्टर की पूरी डिज़ाइनिंग हम इसके अंदर दे देंगे। बेसिकली हम दे देंगे फॉन्ट साइज़ थोड़ा सा मैं और बढ़ा कर दूँगा, यहाँ पर इवन 100 पिक्सल कर दूँगा, और फिर हम लोग इसका कलर भी हल्का कलर हम दे देंगे ग्रीन। तो होगा क्या, आईडी वाला जिसकी आईडी क्या है, आईडी सेलेक्टर है, ये देखिए थोड़ा सा बड़ा आ गया, और इसका टेक्स्ट भी क्या आ गया, कलर ग्रीन आ गया। तो थोड़ा छोटा कर देते हैं, इतना परफेक्ट मुझे नहीं लग रहा है, तो इसका 50 कर देते हैं, हल्का सा बड़ा कर देते हैं 50। तो देखिए आईडी सेलेक्टर, इसका मतलब ये चीज़ तो हम समझ गए कि तीन तरीके के इंपॉर्टेंट सेलेक्टर हैं। एक है टैग सेलेक्टर जो उस पेज के सारे एलिमेंट को टारगेट कर सकता है, क्लास सेलेक्टर जो मल्टीपल एलिमेंट को टारगेट कर सकता है, और आईडी सेलेक्टर मतलब एक ही आईडी एक पेज में एक ही एलिमेंट की होगी। तो ये तो फ्रेंड हो गई हमारे सेलेक्टर की बात, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। अब हम बात करते हैं फॉर्म की, और फॉर्म हम थोड़ी देर में निपटा देंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्म और बहुत ईजी भी है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ईवल के बाद लगाते हैं एक बी आर के बाद एक एच आर भी लगा देते हैं, और आके यहाँ रिफ्रेश कर लेते हैं, देखिए एक एच आर भी लग गया। फॉर्म हम बनाएंगे इसके नीचे, या हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि इसके ऊपर फॉर्म बना देते हैं, इसको नीचे रहने देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे
सिंपली अब हम लोग ऊपर कोडिंग करेंगे, नीचे कोडिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा उल्टा। देखिए ऊपर यहाँ पे फॉर्म बनेगा, ठीक है। तो हम लोग सबसे ऊपर आते हैं और यहाँ पे एक हेडिंग देते हैं H1 और लिख देते हैं फॉर्म, फॉर्म लर्निंग, ठीक है, फॉर्म लर्निंग। और हम आई, अब मुझे सेलेक्टर पता चल गया, तो हम इसकी क्लास दे देंगे और दे देंगे क्लास हेडिंग, ठीक है। थोड़ा सा इस हेडिंग को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा हम लोग स्टाइल करेंगे। तो क्लास है, इस क्लास को टारगेट करने के लिए कहेंगे डॉट, डॉट हमेशा क्लास को टारगेट करने के लगता है। और हम लोग थोड़ा सा देखिए, हम लिखेंगे फॉन्ट साइज थोड़ा सा मैं इंक्रीज करूँगा 40 पिक्सल्स, देखिए 40 पिक्सल्स, परफेक्ट। और हम लोग कलर देंगे इसका रेड, रेड और सिंपल, देखिए रेड कलर हो गया। और इसको अलाइन कर देते हैं सेंटर, तो हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर। जैसे जैसे आपको कुछ याद नहीं करना, जैसे जैसे आप चीज़ें करते जाओगे, आप चीज़ समझते जाओगे कि काम कैसे हो रहा है। और आके रिफ्रेश करेंगे तो देखिएगा सेंटर पे। आप इसको अंडरलाइन वगैरह भी कर सकते हो, जैसे हम कहते हैं टेक्स्ट डेकोरेशन और हम लोग लिखते हैं अंडरलाइन, तो देखिएगा आप यहाँ पे आपका टेक्स्ट देखिए अंडरलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत सारी चीज़ें, अब बनाते हैं फॉर्म। तो फॉर्म बनाने के लिए सिंपली आपको यूज़ करना है फॉर्म टैग, तो आते हैं सिंपली यहाँ पे हम यूज़ करते हैं फॉर्म टैग, ठीक है। लेकिन फॉर्म बनाते क्यों हैं, फॉर्म बनाते हैं यूज़र की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे किसी ने वेब पेज ओपन किया है या साइनअप पेज ओपन किया है, तो जैसे ही साइनअप पेज ओपन किया है, अब कर क्या सकता है बंदा, साइनअप पेज ओपन किया है तो उसको डिटेल्स भरनी होंगी, उसको अपना नाम भरना होगा, अपना ईमेल आईडी भरना होगा, पासवर्ड भरना होगा, और वो जो डिटेल भर रहा है उसको सर्वर तक ले जाना है, मतलब दूसरे पेज पर ले जाना है या सर्वर पर सेंड करना है। तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए हम बनाते फॉर्म, जिसपे बंदा फिल कर पाएगा, कुछ नाम फिल कर पाएगा, ये फिल कर पाएगा, वो फिल कर पाएगा, ये सारा काम कर पाएगा, ठीक है। तो हमने फॉर्म टैग बना दिया। अब फॉर्म टैग जब आप बनाओगे तो इसके दो बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट्स है, वो आपको जानने होंगे। एक होगा एक्शन, ये एक्शन एट्रीब्यूट ये हमें बताता है कि ये जो फॉर्म हम बना रहे हैं इसके अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन यूज़र डालेगा वो कहाँ पर सबमिट होगा, ये बताता है। जैसे मान लो आप कहीं स्पीड पोस्ट करने जा रहे हो, तो जो आप लेटर लिख रहे हो उसमें दूसरे का एड्रेस लिखना पड़ता है, दूसरे का एड्रेस इन द सेंस कि आपको ये बताना पड़ेगा कि ये लेटर जाएगा कहां पे, तभी तो स्पीड पोस्ट होगा। यह सिंपली वही लेटर के समान है। इस फॉर्म, जब ये फॉर्म आप बना रहे हो तो आपको बताना पड़ेगा एक्शन में कि जाएगा कहां। तो यहां पे मैं आपको बता सकता हूं कि ये है डेस्टिनेशन का एड्रेस, दैट मीन सर्वर पे किस पेज पे ये फॉर्म सबमिट होगा, किस URL पे। तो अगर आप जावा के बैकग्राउंड हो तो आप सर्वर लिख सकते हो या JSP लिख सकते हो यहां पे। आप अगर PHP के बैकग्राउंड हो तो आप यहां पे फॉर्म सबमिट डॉट PHP लिख सकते हो। अगर आप ASP.NET, सो दैट मीन्स आपको एक रिसोर्स देना है कि ये फॉर्म इसको सबमिट हो जाएगा। जैसे मान लो दो बंदे हैं और पहले बंदे को दूसरे को फॉर्म भेजना है, तो एक्शन में वो बता देगा दूसरे का एड्रेस, वो फॉर्म डायरेक्टली दूसरे पे चला जाएगा। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ सबमिट, या ऐसे दे देता हूँ रजिस्टर सर्वलेट, ठीक है। तो इस पेज पे जाएगा, या register.jsp भी आप देख सकते हो, तो register.jsp पे चला जाएगा JSP, ठीक है। दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो होता है हमारा एक मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है मेथड। मेथड ये स्पेसिफाई करता है कि आपका जो फॉर्म है वो गेट के मेथड के फॉर्म में जाएगा कि पोस्ट के मेथड के फॉर्म में जाएगा। गेट मेथड जो होता है वो ज़्यादा सिक्योर नहीं होता है, इसमें जो डेटा जाता है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा जाता है, मतलब ज़्यादा नहीं जाएगा, और URL फीड में डेटा दिख भी जाएगा, तो ये ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं है। और अगर आप मेथड स्पेसिफाई भी नहीं करते हो यहाँ पे, तब भी बाय डिफॉल्ट गेट हो जाता है। तो आप गेट लेस सिक्योर है, कम सिक्योर है। अगर आप यहाँ मेथड लगा के पोस्ट लिख देते हो तो ज़्यादा सिक्योर है, ज़्यादा सिक्योरिटी से डेटा जाएगा, और इसमें कोई लिमिट भी नहीं है, और जो डेटा जाएगा वो एकदम सिक्योरिटी के साथ जाएगा, विदाउट नो लिमिट। फिर चाहे ऑडियो हो, वीडियो हो, या फाइल वाइल कुछ भेजना हो, तो आपको मेथड यूज करना है, पोस्ट मेथड यूज करना है, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। नेक्स्ट, अब बात करते हैं इसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हम बना सकते हैं, क्या क्या फील्ड्स बना सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका टैग है वो है इनपुट टैग। इनपुट टैग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको दिखाता हूँ। इनपुट टैग लगाने के लिए आप सिंपली इनपुट टैग लगाना है और यहां पर इसका टाइप बताना है, और टाइप एक टाइप होता है टेक्स्ट, इसका मतलब आप यूजर से टेक्स्ट लेना चाहते हो। अगर आप इतना काम कर दोगे तो सिंपली जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे, देखिए यहां पे बंदा क्या कर सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है। तो अगर आप इससे इसके पहले यहां पे लिख दो एंटर नेम, तो सिंपली होगा क्या, देखिए रिफ्रेश करूंगा तो मैं थोड़ा फॉन्ट को बड़ा कर लेता हूं, तो देखिए यहां पे एंटर नेम के आगे यहां पे आ रहा है, एंटर नेम के आगे यहाँ पे क्या आ रहा है, टेक्स्ट फील्ड, यहाँ पे वो नाम डाल सकता है, नाम डाल सकता है
इसका मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है, आपने क्या लिखा, इनपुट टेक्स्ट और सिंपली बन गया। अब आप यहाँ पे इसके और कुछ एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो, जैसे प्लेस होल्डर, और यहाँ लिख सकते हो एंटर हेयर। तो अगर आप प्लेस होल्डर यूज़ करोगे तो यहाँ पे देखिए एंटर हेयर आपको ऑलरेडी दिख रहा है, जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे ये एंटर हेयर हट जाएगा। जब जीरो टेक्स्ट होगा तो ये एंटर हेयर दिखता रहेगा, लेकिन जैसे ही आप लिखना स्टार्ट करोगे ये हट जाएगा, तो इसको बोलते हैं प्लेस होल्डर। इसी तरह आप बहुत सारे एट्रीब्यूट्स यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है इसका, तो मैं एट्रीब्यूट को देखिए इसके बाद लगाता हूँ, नेम, ये इंपॉर्टेंट है। इसका नाम देते हैं यूज़र अंडरस्कोर नेम। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जब आप क्या करोगे, फॉर्म को सबमिट करोगे, तो सर्वर पे जो भी आप फॉर्म फेच कर रहे होगे, तो जब सर्वर पे फॉर्म फेच करोगे तो इस फील्ड का डेटा आप इसी वाले नेम से फेच कर पाओगे। जैसे लेट अस सपोज घर में तीन भाई हैं, तो तीनों भाई का अलग अलग नाम है। किस लिए वो नाम है भाई, क्योंकि उनको आप पहचान पाओ। तो जब भी आप फॉर्म सबमिट करोगे दूसरे रिसोर्स पे, जैसे जब जेएसपी पे जाएगा पेज, तो फिर आप यहाँ पे फेच करोगे डेटा इस नाम का, तो आप इसी से करोगे, तो ये इंपॉर्टेंट है एट्रीब्यूट। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एक बीआर लाइन चेंज कर सकते हो, और सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो एंटर योर पासवर्ड या एंटर पासवर्ड, और एंटर पासवर्ड के बाद आप एक इनपुट टाइप और लगा सकते हो टैग, तो आप इनपुट और यहाँ लिख दो टाइप। और अगर आपने टाइप टेक्स्ट कर दिया तो बंदा लिख तो पाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए, बंदा लिख तो पाएगा पासवर्ड में, लेकिन जो लिखेगा उसे दिखेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखिए इस टाइप को क्या कर देंगे, पासवर्ड कर देंगे, और जैसे ही पासवर्ड करेंगे तो यहाँ पे आप जो लिखेगा वो दिखेगा नहीं। तो ये सारा काम हम कर तो पा रहे हैं, बट एक दिक्कत है, ये अलाइनमेंट इतना अच्छा सा नहीं हो पा रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, मैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा टेबल से। बट जब आप वेबसाइट बनाओगे तो आपको बूटस्ट्रैप वगैरह इतने अच्छे अच्छे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, ये काम नहीं करना पड़ेगा। तो आप क्या करिए, सिंपली ये जो फॉर्म बनाइए, ये सिंपली सब कुछ फॉर्म रखिए टेबल के अंदर। देखिए हमने कहा टेबल टैग में बना लेता हूँ, टेबल के अंदर एक रो बना लेता हूँ। रो बनाएंगे हम किससे, टीआर से, तो हम एक रो बना लेंगे। रो के अंदर दो कॉलम बनाएंगे, दैट मीन्स दो टीडी, तो आप एक टीडी और एक इसके बाहर टीडी बना लीजिए। अब ये हो गई हमारी पहली रो, तो इसका जो एंटर नेम है उसको उठा के हम लोग रख देंगे, देखिए एक टीडी में, और इसकी जो फील्ड थी वो उठा के रख देंगे दूसरी टीडी में। ये जो पहला रो था ये हो गया नेम के लिए। इसी तरह हम एक रो और बनाएंगे, टी आर, सिंपली पहला कॉलम टीडी और दूसरा टीडी, तो आप टीडी लिख के टैब दबाते रहिए बस। और जो एंटर पासवर्ड था इसको सिंपली कट कर लेंगे, और इसको कट करके लाएंगे दूसरे रो के पहले कॉलम में, और फिर इसकी जो फील्ड थी उसको दूसरे रो के दूसरे कॉलम में, और फिर आप बीआर को हटा दीजिए। और अगर आपका अलाइनमेंट गड़बड़ हो गया तो कंट्रोल ए दबाइएगा, एडिट पे जाइएगा, लाइन पे जाइएगा, री इंडेंट पे क्लिक कर दीजिएगा सिंपली। अब आइएगा रिफ्रेश करिएगा तो आप देखोगे परफेक्ट, यहाँ पे एंटर नेम फील्ड पासवर्ड। तो हम इस पर भी यूज़ कर लेते हैं अपना प्लेस होल्डर, तो पासवर्ड पे हम लगाएंगे प्लेस होल्डर और यहाँ लगाएंगे एंटर हेयर, ठीक है। अब आप क्या होगा देखिए, सिंपली यहाँ पे जो लिखेंगे नहीं दिखेगा, बट जब आप कुछ नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे एंटर हेयर लिख के आता रहेगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट है। अब हमें कुछ और सीखना है, जैसे ये टाइप बहुत तरीके के हैं, जैसे अगर आपको डेट ऑफ बर्थ लेना है तो आप यहाँ पे एक रो और बढ़ा दीजिए, एक रो और बढ़ा दीजिए, और रो में पहले कॉलम में लिख दीजिए सेलेक्ट या डी ओ बी, सेलेक्ट डी ओ बी, और दूसरे कॉलम में तो इस टी डी के दूसरे कॉलम में आइए, और दूसरे कॉलम में यहाँ पे आप लगाइए इनपुट, तो आप इनपुट लिखिए, और इनपुट लिखने के बाद टैब दबा दीजिए, और यहाँ टाइप टेक्स्ट की जगह डेट लिख दीजिए। जैसे ही आप डेट लिखोगे, इसको रिफ्रेश करोगे, तो यहाँ पे देखिए डी डी एम एम वाई वाई अपने आप आ जाएगा, बंदा यहाँ पे डाल सकता है, ठीक है। और यहाँ से वो कैलेंडर भी क्या कर सकता है, सेलेक्ट कर सकता है अपनी डेट, तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ से डेट भी सेलेक्ट हो जाएगी सारी चीज़। तो ये किसकी हेल्प से पॉसिबल हुआ, ये इनपुट टाइप की हेल्प से, इनपुट टाइप डेट की हेल्प से। उसके बाद ये क्या कर सकता है, यहाँ नेम दे सकता है सर्वर पे डेटा फेच करने के लिए, तो हम दे देंगे डी ओ बी, नेम मत देना भूलिएगा, और यहाँ भी आप नेम दे सकते हो, नेम में डी ओ बी दे सकते हो, तो आपका ये बन गया। उसके बाद इसी हिसाब से वो बहुत सारी चीज़ें दे सकता है, आप इनपुट टाइप डेट हो गया, पासवर्ड हो गया, ईमेल हो गया, अभी हम देखते जाएंगे। जैसे लेट अस सपोज आपको यहाँ पे जेंडर बनाना है, तो जेंडर में हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे सेलेक्ट जेंडर और मेल और फीमेल दो ऑप्शन देना है। तो हम देखिए एक रो अब खत्म हो चुकी टी टी आर, तो हम आ जाएंगे दूसरी टी आर में, और दूसरे टी आर में हम सिंपली पहला कॉलम बनाएंगे और यहाँ लिखेंगे सेलेक्ट जेंडर, सेलेक्ट
जी कैपिटल करेंगे जेंडर, और सेलेक्ट का एस भी कैपिटल करेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसी रो के दूसरे कॉलम में आएंगे, दैट मीन्स टी डी, और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मैं इनपुट टाइप लिखूँगा, सब इनपुट टाइप लिखूँगा, तो आप इनपुट लिखिए और टैब दबा दीजिए, और टाइप में अगर आप रेडियो कर दोगे तो यहाँ पे एक बटन बन जाएगी, देखिएगा सिंपली ये इस बटन को बंदा सेलेक्ट कर सकता है, तो इससे पहले आप लिख दीजिए मेल, तो मेल पहले आ जाएगा, फिर बटन बनेगी, देखिए, या मेल फिर बटन बनेगी, या अगर आप बाद में मेल रखना चाह रहे हैं तो इसके बटन के बाद मेल कर दीजिए, ठीक है, मेल कर दिया, परफेक्ट। अब आप फीमेल रखना चाह रहे हो तो एक स्पेस दो और एक बटन और बना लो, तो हमने कहा इनपुट और टाइप, टाइप में फिर से हमने कर दिया रेडियो, और रेडियो के बाद आप एक चीज़ और लिख दीजिए यहाँ फीमेल, और आप क्या करिए इसको रिफ्रेश कर दीजिए, देखिए मेल एंड फीमेल दोनों बन गया, बट दिक्कत ये है कि मेल किसी ने सेलेक्ट किया फिर फीमेल, अब एक बार में दोनों तो होगा नहीं, अगर इस पर चेक करें तो ये हट जाना चाहिए, तो सिंपली आइए और नेम यूज़ करिए, तो पहले वाली जो रेडियो बटन है इस पर लगाइए नेम, और नेम में दे दीजिए जेंडर, और दूसरी वाली जो रेडियो बटन थी ये वाली रेडियो बटन, इस पर भी आप आइए और लगाइए नेम, और दोनों नाम सेम कर दीजिए, मतलब दूसरी बटन पे भी जेंडर ही दे दीजिए, आपका काम हो जाएगा, इसको रिफ्रेश करिए और पहली वाली को सेलेक्ट करिए, फिर दूसरी को सेलेक्ट करिए, पहले को सेलेक्ट करिए, दूसरी को, दैट मीन्स अब वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकता है मेल, अगर फीमेल सेलेक्ट किया तो मेल हट जाएगा, मेल सेलेक्ट किया फीमेल, इसी तरह आप जेंडर भी बना सकते हो। उसके बाद लेट सपोज हम कोर्सेज के लिए ऑप्शन बना रहे हैं तो सेलेक्ट बॉक्स यूज़ कर सकते हैं, तो हम एक और रो बना देंगे और यहाँ पर लिख देंगे टी डी, इस रो का पहला कॉलम, और यहाँ लिख देंगे सेलेक्ट योर कोर्स, ठीक है, सेलेक्ट योर कोर्स, और कोर्स सेलेक्ट कराने के लिए इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें कई सारे कोर्स के ऑप्शन देने हैं, तो हम लिखेंगे यहाँ टी डी दूसरा कॉलम, और ऑप्शन देने के लिए हम टैग यूज करते हैं सेलेक्ट, ठीक है, सेलेक्ट, और सेलेक्ट जैसे मैंने लिखा टैब दबा दिया, तो नेम, नेम में आप जरूर दीजिए क्योंकि ये नेम यूज होगा डेटा को फेच करने के लिए सर्वर पे, ठीक है। अब आप सेलेक्ट के अंदर आ जाइए, और जैसे इतना काम किया सेलेक्ट, ये सेलेक्ट एक बॉक्स बन जाएगा, ये देखिए सेलेक्ट बॉक्स बन गया, अब इसमें हम ऑप्शंस दे सकते हैं, तो ऑप्शन देने के लिए आप यूज करोगे ऑप्शन टैग, ठीक है, और वैल्यू में सपोज हमने कहा जावा, और उसके बाद यहाँ पे लिख दो जावा प्रोग्रामिंग, और आप सेव करके रिफ्रेश कर दो, तो सिंपली देखिए एक ही एलिमेंट है बट आ गया। अब हम एक और ऐड करते हैं, तो सिंपली आप इस लाइन को कॉपी करके नीचे पेस्ट कर दो, मैं दबाऊंगा कंट्रोल शिफ्ट डी, तो देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP, और यहाँ पे लिख देता हूँ PHP, एक और बना लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम पाइथन, पाइथन की पी पाइथन, और हम PHP के बाद भी क्या लिख देंगे पाइथन लिख देंगे, और फिर सेव कर देंगे सिंपली। अब इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए तीनों ऑप्शन आ रहे हैं, यहाँ से एक बंदा चेक कर सकता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हम एक दो और बना देते हैं, हम यहाँ पे एंड्रॉयड भी रख देते हैं एंड्रॉयड, और यहाँ भी हम एंड्रॉयड रख देते हैं सिंपली, और रिफ्रेश करते हैं, परफेक्ट, ठीक है। ये देखिए इतनी सारी चीज़ें बढ़िया बन चुकी हैं। अब हमें क्या करना है, सिंपली ध्यान से देखिएगा, अब हमें क्या करना है, हमें दो एक बार में दो तीन चीज़ दिखानी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ सेलेक्ट पे एक एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हो साइज़, जितनी भी एक बार में चीज़ें दिखानी है, जैसे तीन, तो आप तीन कर देंगे तो वो एक बार में तीन दिखाएगा, देखिए तीन डेटा दिख रहा है, और नीचे स्लाइड हो सकता है, जो मर्जी वो इसे चूज़ कर सकता है। अगर आप एक बार में चार दिखाना चाह रहे हैं तो इस वैल्यू को क्या कर दिए चार, फिर से रिफ्रेश करिए तो एक बार में चार डेटा दिखेगा, अगर दो दिखाना चाह रहे हैं दो कर दीजिए तो एक बार में दो डेटा दिखेगा, इसका मतलब ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हम दो एक बार में दो सेलेक्ट कर पाएँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ तीन, और हम चाहते हैं कि मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि हम जावा भी सेलेक्ट कर लें PHP भी सेलेक्ट कर लें, इस केस में अगर आप चूज़ करोगे तो नहीं सेलेक्ट होगा, तो आपको यहाँ पे लिखना होता है आपको मल्टीपल, जैसे आपने अगर मल्टीपल लिख दिया और अगर रिफ्रेश कर दोगे, इस केस में आप ये सेलेक्ट करोगे फिर कंट्रोल दबा के ये भी क्लिक कर दो, कंट्रोल दबा के ये भी क्लिक कर दो कंट्रोल, दैट मीन्स आप मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी अपने फॉर्म में सबमिट करा सकते हो, तो ये बढ़िया चीज़ है। और जब आप मल्टीपल चीज़ सेलेक्ट कर लोगे तो ये जब सर्वर पर जाएगा फॉर्म, तो कोर्स से क्या करेगा, सर्वर पे डेटा फेच हो सकता है, जो भी आप सेलेक्ट करोगे जावा PHP पाइथन मिल जाएगा उसको, ठीक है। तो ये बढ़िया चीज़ थी, परफेक्ट। तो अब ऐसे ही सारी चीज़ बनाओगे, डेट भी हमने देख लिया, पासवर्ड फील्ड हमने देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, अब मैक्सिमम कुछ ज़्यादा बचा नहीं, हम क्या बनाना चाहते हैं, यहाँ पर हम लोग एक चेकबॉक्स बनाना चाहते हैं एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, तो सिंपली एक रो और बनाइए, तो हमारी रो यहाँ ख़त्म हुई थी, हम यहाँ एक रो बना देते हैं और इस रो में एक चेकबॉक्स बनाते हैं, तो आपको सिंपली लिखना है इनपुट और टैब दबाना है और टाइप में चेकबॉक्स लिख देना है, ठीक है। जैसे ही आप चेकबॉक्स लिखोगे आप देखोगे कि एक चेकबॉक्स बन गया है,
इसको चेक कर सकते हैं, तो अच्छी बात है। आप देखे मैंने टी देखिए मैंने टी आर के बाद मुझे लगाना था ये दूसरा टी आर रो बनाने के लिए, तो हम एक टी आर लगाएंगे टी आर, ठीक है। अब रो बनी और अब हम ये कॉलम हुआ हमारा, ठीक है। तो हम इसको थोड़ा सा सही से डिज़ाइन कर देते हैं, इंडेंट कर देते हैं, तो हमारा टी डी। अब इसी रो में दूसरा कॉलम बनाएंगे तो टी डी लिखेंगे, और टी डी के अंदर हम लोग लिख देंगे यहाँ पे एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस, ठीक है। अब अगर रिफ्रेश करते हैं तो हमें ये देखिए एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन दिख रहा है, और यहाँ पे ये बटन इधर जा रही है, हम इस बटन को इस तरफ करना चाहते हैं, इस तरफ पास। तो हम लोग क्या करेंगे, टी डी पे आएंगे और यहाँ पे एक एट्रीब्यूट लगाएंगे स्टाइल, और स्टाइल में लिखेंगे, यहाँ से देखिएगा स्टाइल में लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग राइट, ठीक है। तो राइट में आपका इस वाले बॉक्स का टेक्स्ट राइट में अलाइन हो जाएगा, ये देखिए परफेक्ट। अब बंदा यहाँ चेक करके टर्म्स एंड कंडीशन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बटन बनानी है। अब बटन इस तरफ भी बना सकते हैं, जहाँ मर्जी वहाँ बना सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्चुअली ये टेबल है, तो ये टेबल का ये पहला कॉलम है और ये टेबल का दूसरा कॉलम है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक नेक्स्ट रो बनाएंगे, नेक्स्ट रो, और नेक्स्ट रो में एक कॉलम हम ऐसा ही छोड़ देंगे, दैट मीन्स हम इसका ये वाला कॉलम छोड़ दे रहे हैं, दूसरे कॉलम में कोडिंग करेंगे। तो हम पहले में कुछ नहीं लिखेंगे और दूसरे में हम लोग जाएंगे यहाँ पे बटन बनाएंगे। तो सबमिट बटन बनाने के लिए आपको लिखना होता है इनपुट टाइप, और टाइप में लिखना होता है सिंपली सबमिट। अगर आप सबमिट लिख दोगे तो एक बटन बन जाएगी जो फॉर्म को सबमिट कर सकती है। देखिए फॉर्म जैसे क्लिक करोगे, ये देखिए रजिस्टर डॉट जी एस पी पेज पे ये फॉर्म सबमिट हो गया, ठीक है। तो ये सबमिट कर देगी फॉर्म। उसके बाद आप अगर रीसेट बटन बनाना चाह रहे हो तो आप इनपुट टाइप, और इस बार आप रीसेट कर दीजिए, रीसेट, ठीक है। इस केस में होगा क्या, एक रीसेट बटन भी बन जाएगी जो इस फॉर्म को रीसेट कर देगी। दैट मीन्स अगर आप कुछ लिखते हो और रीसेट क्लिक करते हो तो देखिए फॉर्म रीसेट हो जाता है। आप मैं पूरा करके दिखाता हूँ, अगर मैं रीसेट क्लिक करता हूँ देखिए सब रीसेट हो गया। ये चीज़ तो बहुत परफेक्ट है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, मेरा फॉर्म कंप्लीट है और हम लोगों ने क्या कर लिया, हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया सारी चीज़ें। एक चीज़ और मेरे से मिस हो रही थी, हम सेलेक्ट कोर्स का एक एड्रेस सेलेक्ट करने की चीज़ भी बनाना चाह रहे हैं। तो आप क्या करिए, एक ये वाली रो दो रो नीचे से छोड़ के बीच में, तो आप एक रो छोड़ दीजिए, ये कौन सी रो थी, बटन वाली, ये रो थी टर्म्स एंड कंडीशन वाली, और टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर एक रो और लगाइए, और यहाँ पे आप पहले कॉलम में लिख दीजिए एंटर एड्रेस, ठीक है। अब एड्रेस क्योंकि कई सारी लाइन में होगा, इस तरह तो होगा नहीं एक ही लाइन में, तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली देखिए नीचे आएंगे और एक टी डी लगाएंगे, ठीक है, दूसरे कॉलम में, इस रो के दूसरे कॉलम में, और यहाँ पर लगाएंगे टेक्स्ट एरिया, ठीक है। ये टेक्स्ट एरिया जो है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्स्ट एरिया से आप मल्टी लाइन इनपुट फील्ड बना सकते हो, टेक्स्ट एरिया। तो टैब मत दबाइएगा, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कैसे बनाना है। ये है कंटेनर टाइप का टैग, दैट मीन्स इस तरह बनेगा कुछ, जैसा मैंने बनाया है इस तरह बनेगा, ठीक है। तो आप भी ऐसे बनाएगा, और इसके अंदर, अच्छा इसको मैं सेव करके रिफ्रेश अगर आप करिए तो देखिए ये है टेक्स्ट एरिया, इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है। और जैसे जैसे आप लिखते जाओगे इसका हाइट और विड्थ क्या होता जाएगा, घटता बढ़ता जाएगा। तो ये परफेक्ट है, और आपको इनिशियली ये वाली टेक्स्ट एरिया मिले। आप इसमें बहुत सारा काम कर सकते हो, इसमें भी आप नेम दे सकते हो, नेम एड्रेस, जिससे कि डेटा सर्वर पर फैच हो जाएगा, और यहाँ आप रोज़ कॉलम दे सकते हो हाइट बढ़ाने के लिए और विड्थ बनाने के लिए। तो हम अगर रोज़ दे देते हैं, रोज़ अगर दे देते हैं 10, तो देखिएगा थोड़ी सी इसकी हाइट इनिशियली, देखिए इनिशियली बढ़ी आएगी, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। और इसी तरह आप कॉल्स दे सकते हो इस हाइट को एडजस्ट करने के लिए, तो अपने हिसाब से, देखिए मैंने 5 दे दिया, तो एक सेकेंड देखिए 5 दे दिया, तो उसकी हाइट और विड्थ रोज़ और कॉलम बढ़ गया। तो रोज़ बेसिकली ये होती हाइट, और कॉलम बेसिकली होता है विड्थ, अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। बट मैं चाहूँगा कि आप ऐसे मत करो, आप स्टाइल लगा के विड्थ और हाइट एडजस्ट करो। तो विड्थ मैं इसकी 100% दे दूँगा, और हाइट अपने हिसाब से आप जितना भी देना चाहें, उतना आप हाइट पिक्सल में दे सकते हैं, जैसे मैंने कहा 400 पिक्सल, ठीक है, एक्सपी नहीं 400 पिक्सल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख पाएंगे कि हमारा जो इसका हाइट है 400 पिक्सल हो जाएगा, 400 पिक्सल बहुत हो गया, तो इसको थोड़ा सा घटा के हम लिख देते हैं 200, और फिर हम रिफ्रेश कर देंगे तो देखिए 200 भी बहुत है, इसको 100 कर देते हैं तो 100। इसमें भी हम लोग प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, तो सिंपली आप एक एट्रीब्यूट और भी लगा दीजिए प्लेस होल्डर, और लिख देते हैं एंटर एड्रेस हेयर, ठीक है। अब हम फिर से देखिए रिफ्रेश करेंगे और यहाँ पे एंटर एड्रेस। तो आप ऐसे करके फॉर्म के एलिमेंट्स को बना सकते हैं। अब इसको मैं 100% जूम करता हूँ, 100%, तो 100% पे आपने कुछ ऐसा फॉर्म बनाया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर पे लाते हैं। तो सेंटर पे लाने के लिए आप सिंपली
आपका जो फॉर्म है वो टेबल टैग के अंदर रखा है, तो टेबल पे आइए और यहाँ पे लगाए स्टाइल, या आप सेलेक्टर की हेल्प से इसको पकड़ भी सकते हैं, या हम इसकी आईडी देते हैं और दे देते हैं रजिस्टर डैश फॉर्म, और इस आईडी के थ्रू हम इसको यहाँ पे पकड़ सकते हैं। देखिए कैसे पकड़ना है, देखिए आप हैज़ लगाइए और लिखिए रजिस्टर डैश फॉर्म, और यहाँ पर लगा दीजिए मार्जिन, और मार्जिन में लिख दीजिए ऑटो। जैसे ही आप मार्जिन ऑटो करेंगे, देखिए सेंटर पर आ गया, सेंटर पे आ गया, इसका मतलब हमारा काम हो गया। अब हम इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर देते हैं। फॉन्ट कैसे बड़ा करना है देखिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। फॉन्ट बड़ा करने के लिए हमारी ये रजिस्टर जो फॉर्म है ये हमारी टेबल है, तो हम रजिस्टर फॉर्म को टारगेट करेंगे और रजिस्टर फॉर्म फिर स्पेस दबाएंगे, इसका मतलब इसके अंदर के सारे टी डी टेबल के अंदर टी आर हैं उनको टारगेट करेंगे, टी आर के अंदर टी डीज हैं उनको टारगेट करेंगे, और इसका हम फॉन्ट साइज़ बढ़ा देंगे, फॉन्ट साइज़ में रख देंगे हम लोग 20 पिक्सल, और हम रिफ्रेश करेंगे। देखिए थोड़ा सा फॉन्ट इन सारे फील्ड का बन बढ़ गया है जो डायरेक्ट किस में रखे हुए हैं, जो डायरेक्ट आपकी टीडी में रखे हैं। और मैं बढ़ा कर दिखा देता हूँ आपको, जैसे आप कर दीजिए 30 पिक्सल, जैसे आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए एंटर नेम का फॉर्म फॉन्ट बढ़ेगा। हम फील्ड्स का भी फॉर्म देखिए बढ़ाना चाह रहे हैं, तो सिंपली आप टीडी के साथ साथ कॉमा लगा के इनपुट टैग का भी आप फॉन्ट बढ़ा दीजिए। देखिए सिंपली ये देखिए इनपुट टैग का भी फॉर्म बढ़ गया, फॉन्ट बढ़ गया। साथ ही साथ में आप ऐसे इनपुट टैग का बढ़ाना चाह रहे हैं तो कॉमा लगाइए, ऐसे इनपुट टैग का, ठीक है, और किसका बढ़ा सकते हैं, किसका बढ़ा नहीं है बस, ठीक तो है, सेलेक्ट का नहीं बढ़ा, तो हम लोग क्या करते हैं इनपुट टैग के साथ साथ सेलेक्ट का भी शायद इसको भी टारगेट करते हैं, ठीक है, सेलेक्ट का भी बढ़ गया, ठीक है। ऐसे करके आप टेक्स्ट एरिया का भी बढ़ा सकते हैं, तो आप साथ ही में टेक्स्ट एरिया का भी फॉन्ट बढ़ा सकते हैं। देखिए टेक्स्ट एरिया का ही बढ़ गया फॉर्म। अब इसको हम लोग 100% भी कर देते हैं, तो आप क्या करिए यहाँ पे लिखिए विड्थ सबकी जो होगी वो 100%। थोड़ा सा एक बार ट्राई करते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया क्योंकि इसके साथ टीडी भी है, तो आप यहाँ पे विड्थ मत लगाइए, मैं बताता हूँ आपको कहाँ पे विड्थ लगाना है। आप सिर्फ विड्थ लगाना है इनपुट सेलेक्ट एंड एरिया पे, तो आप सिंपली इसको कॉपी कर लीजिए और आइए नीचे, और यहाँ पे आप फिर से रजिस्टर फॉर्म को टारगेट करिए और यहाँ पे लिख दीजिए ये, और यहाँ पे विड्थ लिखिए 100%। तो सिर्फ इन्हीं की विड्थ आपको 100% रखनी है, तो आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, जैसे आप रिफ्रेश करोगे परफेक्ट देखिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, ये बटन की अगर विड्थ नहीं बढ़ाना चाहते हो, 100% नहीं करना चाह रहे हो, क्योंकि हमने डायरेक्ट इनपुट पे टारगेट किया है, तो इनपुट इनपुट दोनों इनपुट पे अप्लाई हो गया, तो आप सिंपली यहाँ पे आप क्या कर सकते हो अपने फॉर्म में आके, और फॉर्म में आने के बाद जहाँ पे मैंने बटन इनपुट लिया, बटन को आप ऐसे भी बना सकते हो, इसको बटन एलिमेंट से बना सकते हो, ठीक है, तो बटन भी लगा सकते हो, मैंने बताया हुआ है कैसे आपको बनाना है। रिफ्रेश करो, आपका फॉर्म परफेक्ट रेडी है। थोड़ा बहुत मैं इसमें और भी चेंजेस करता हूँ, तो आप आइए ऊपर और अपने सिर्फ टेबल को टारगेट करिए, टेबल को टारगेट करते हैं रजिस्टर फॉर्म को, और इसमें हम लोग देते हैं बॉर्डर, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, ठीक है, सॉलिड ग्रे, और रिफ्रेश करते हैं तो हमें देखें थोड़ा सा बॉर्डर दिख, ग्रे आपको दिख नहीं रहा है, दूसरा कलर, दूसरे कलर से ज़रा हम टारगेट करते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लैक टारगेट करें क्या, या वाइट टारगेट करते हैं, ठीक है, वाइट, ठीक है, टारगेट नहीं हो रहा। अब रजिस्टर फॉर्म हमारा है, टेबल ही है, ठीक है, रजिस्टर रजिस्टर रजिस्टर, स्पेलिंग गलत हो गई थी, तो हम लोग देखिए वाइट से टारगेट हो गया, वाइट कलर का बॉर्डर आ गया। थोड़ा सा मैं पैडिंग दे दूंगा, पैडिंग पैडिंग 10 पिक्सल, और हम लोग क्या करेंगे देखिए रिफ्रेश कर देंगे, थोड़ा सा और पैडिंग बढ़ाते हैं, पैडिंग कर देते हैं 25 पिक्सल, और रिफ्रेश कर देते, परफेक्ट। अब हम लोग इसका बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, मज़ा आ जाएगी, बैकग्राउंड वाइट कर देते हैं, अपने हिसाब से आप डिज़ाइनिंग कर लीजिए। तो ये CSS है, ये हमारा फॉर्म है जो कि हम लोगों ने सीखा है इस फॉर्म में परफेक्ट बना के, और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने की है सिर्फ एक ही वीडियो में, तो मुझे लगता है चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और HTML की हेल्प से आप फॉर्म वगैरह बना लोगे। और बाकी चीज़ थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ कि इसको डिसेबल वगैरह कैसे करते हैं, और वैल्यूज़ टैग क्या होता है, वैल्यूज़ क्या होता है, रीड ओनली क्या होता है, डिसेबल क्या होता है, मैक्स वैक्स, ये सारी चीज़ बता देता हूँ। देखिए जैसे ये फील्ड है, और इस फील्ड में आप चाहते हो कि कोई डेटा ऑलरेडी लिख के आए नाम, तो आप एक तो प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हो, और अगर आप इसकी वैल्यू देना दे सकते हो, तो यहाँ पे देखिए हम वैल्यू भी दे सकते हैं, और नाम यहाँ पे अगर मैं यहाँ दे दूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी ऑलरेडी, यूज़र से नहीं लेनी पड़ेगी, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू आ जाएगी, देखिएगा ये
इसकी वैल्यू आ गई। अब बंदा बंदे ने समझ लो ऑटोमेटिक डाल दिया पहले से ही, तो वैल्यू टैग की हेल्प से आप वैल्यू इसकी बता सकते हो पहले ही से। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हो कि कोई रीड और राइट ना कर पाए, तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिसेबल कर सकते हो। इस केस में कोई डेटा रीड राइट नहीं कर पाएगा और ये डेटा जाएगा भी नहीं यूज़र तक, ठीक है, सर्वर पर नहीं जाएगा। बट आप चाहते हो सर्वर पर चला जाए बट सिर्फ रीड ऑनली रहे, तो आप यहाँ लिख दोगे रीड ऑनली। इस केस में ये रीड ऑनली ही रहेगा, ठीक है, तो कोई एडिट तो नहीं कर पाएगा बट सर्वर पे डेटा जाएगा भी, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी चीज़ें, सपोज फ़ोन नंबर लेना है तो आप इसका टाइप नंबर कर सकते हो, तो आप गूगल पे जाके वहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे टाइप्स अवेलेबल हैं, वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो आप रेफरेंस लीजिएगा गूगल वगैरह का और मैं आपको बता देता हूँ फॉर्म। आप आ जाइएगा गूगल पे, तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। आप आइएगा गूगल पे और यहाँ पे सर्च करिएगा HTML फॉर्म, तो मैं आपको रिसोर्स भी बता दे रहा हूँ। और आप W3 Schools की वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा और यहाँ पे आप चीज़ें देख लीजिएगा, टाइप्स में चले जाएगा, एट्रीब्यूट्स में देख लीजिएगा और थोड़ा आप स्टडी करिएगा। अच्छा, बेसिक मैंने समझा दिया है, अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको अब इसके बाद HTML नहीं सीखना है, अब आपको नई नई टेक्नोलॉजी से बूटस्ट्रैप ये सारी चीज़ देखना है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर वीडियो को अच्छी लगी और वीडियो को शेयर करिए जिससे लोग भी सीख पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।